नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं जेजेडी टेक्निकल। तो आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल सी फोटो को एडिट करने वाले हैं। दोस्तों इस बार हम कोई तड़क बड़क वाली फोटो नहीं कर रहे हैं। इस फोटो के अंदर एक सिंपल सा बैकग्राउंड होगा और उसमें आपकी शेडो लगाई जाएगी और उसमें थोड़े से बालों को भी एडिटिंग किया जाएगा। मतलब ये फोटो जो है एक स्पॉटलाइट की फोटो की तरह बांध सकते हैं, जो कि आप बहुत बड़े स्टूडियो में जाके खिंचाओगे तो ऐसी फोटो आएगी, लेकिन आपका भाई बिल्कुल सिंपल सी फोटो एडिटिंग करना सिखाएगा। आप सिंपल अपने फ़ोन से इस पोज में फ़ोटो को क्लिक कर लीजिए, या फिर आपको जो भी पोज अच्छा लगे उस पोज में आप फ़ोटो को क्लिक कर लीजिए। फ़ोटो को क्लिक करने के बाद में हम इसमें चार स्टेप को ऐड करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आप 100% श्योर हूं मैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट कर पाओगे। पहला स्टेप है हम फोटो के बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। दूसरा स्टेप है हम उसके अंदर बैकग्राउंड नया जो हम चाहते हैं वो लगाएंगे। और तीसरा स्टेप है उसके अंदर शेडो लगाएंगे। और चौथा स्टेप है उसके अंदर कलर करेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि किस तरीके से एडिटिंग करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, हम बहुत ही अप्रिशिएट होते हैं। और हाँ, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला तो आप मेरे को वीडियो के अंदर से चप्पल तो नहीं मार सकते, लेकिन श्योरी आज के बाद कंटिन्यू वीडियो आएंगे, क्योंकि मैंने देखा कल परसों चैनल खोल के मेरे चैनल पे एडवर्टाइज आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला और मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सीख लेते हैं एडिटिंग। तो आपको सबसे पहले remove.bg में वो फोटो अपलोड करनी है जिस फोटो का आपको बैकग्राउंड इरेज करना है। तो मैं वो फोटो इस पे अपलोड कर देता हूँ और ये मुझे कुछ ही सेकेंड में उस फोटो का बैकग्राउंड इरेज करके दे देगा। दोस्तों मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है remove.bg पे, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं फोटो का कितने अच्छे तरीके से बैकग्राउंड इरेज किया है। पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको बैकग्राउंड्स पे क्लिक करना है और फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैं येलो यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ये करने के बाद में सिंपली आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और जिस फोटो का बैकग्राउंड इरेज किया था उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। आप इसका रिसाइज करके जो भी आपको अच्छा लगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा छोटा करना, तभी स्पॉटलाइट या फिर स्टूडियो वाली फीलिंग आएगी। फिर आपको शेडो पे क्लिक करना है, नीचे शेडो का लिखा हुआ आएगा आइटम, और फिर इस पे क्लिक करने के बाद में आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कीजिए और ब्लर को भी थोड़ा कम कर दीजिए, और फिर इसका जो मेजरमेंट है इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मतलब आगे पीछे करेंगे आप इसको तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके कर दीजिए और ड्रॉ पे जाइए और इस फोटो को सेव कर लीजिए। मैं ड्रॉ पे जाऊंगा और 3 डॉट्स पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लूंगा। चलिए फोटो पे बाल लगाते हैं। तो आपको प्ले स्टोर से फेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारी फोटो दिखाएगा, तो आपको वो वाली फोटो ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप फोटो ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक हेयर स्टाइल नाम से आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके जो तीसरे नंबर का है उसको आपको लॉन्ग टू है उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके बाल लग जाएंगे और कोने में जाके आपको ये फोटो सेव कर लेनी है। यहाँ पे वाटर मार्क आएगा फेस ऐप का, उसको लाइट रूम में जाके हटा देंगे। तो इसके लिए आपको लाइट रूम ओपन कर लेना है। लाइट रूम जैसे आप ओपन करोगे तो आपको जो अपनी फोटो है उसको लाइट रूम में ऐड कर लेना है। तो सिंपल से मैं अपनी जो वो वाली फोटो है मैंने अभी फेस ऐप से निकाली उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये रही वो फोटो और इस फोटो को मैंने कर लिया ऐड। तो ये फोटो लाइट रूम में ऐड हो गई। आप ऑल फोटोज में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये फोटो दिख जाएगी। ये रही वो फोटो। और अब आपको सिलेक्टिव एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्टिव, तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो आपका वाटर मार्क आ रहा है फेस ऐप, तो आपको इस पे ये कलर कर देना है। पहले इसके ब्रश के साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और अब आपका जो फेस ऐप दिख रहा है आपको इस पे बिल्कुल ऐसे कलर कर देना है। इससे ये जो है वाटर मार्क वो बिल्कुल हट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये वाटर मार्क हट चुका है। और अब मैं इस लाइट रूम में जितनी भी सेटिंग्स कर रहा हूँ तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के वो सेटिंग्स देख लेनी है।
और वो सेम सेटिंग आपको अपनी फोटो के अंदर अप्लाई कर देनी है। यानी कि देखना है आपको एक्सपोजर कितना है, कॉन्ट्रास्ट कितना है, ऑरेंज कलर कितना है, येलो कलर कितना है, ये सभी देख के आप सिंपल से अपने फोटो में अप्लाई कर देना है, तो आपकी फोटो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जो आगे वीडियो डालूंगा वो इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो डलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर से हम बहुत अप्रिशिएट होते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।